सुशील मोदी जब उप मुख्यमंत्री हुए, उनका भाई महावीर मोदी ने लोदीपुर क्रिश्चियन का जमीन, माइनॉरिटी बेचारा है, वो लोग पूजा पाठ करता था, उसका जमीन को इन्होंने हड़प लिए, अभी तक केस लंबित है और निशान बिल्डिंग बना नियम कानून को धरती उड़ा के पिया दिए के रेरा से भी पास नहीं है तो वो जांच कराएंगे। दूसरा ये अपना समाज के खेतान मार्केट भी कब्जा कराए जे उप मुख्यमंत्री थ्रेटनिंग दे करके कोई डरे न बोले तो उप मुख्यमंत्री सारा प्रशासन इनके साथ था, ये लूटे। श्री रमन यादव ने आज तक अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न कोई दस्तावेज रखा, न ही उन्होंने माफी मांगी और ये एक साजिश थी मेरी छवि को समाज में खराब करने की और इसलिए मैंने सीजीएम कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। नीतीश मंत्रिमंडल को अभी शपथ लिए बस एक महीना हुआ है, लेकिन एक के बाद एक नीतीश के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक मंत्री मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, कुछ अपने कर्मों से तो कुछ बयानों से। ताजा मामला बिहार सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री रामानंद यादव से जुड़ा है, जो बगैर दस्तावेज बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर आरोप लगाकर फंस गए हैं। रामानंद यादव पर ये केस बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत यानी मानहानि का मुकदमा किया है। दरअसल रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर पटना के लोदीपुर और सब्जीबाग इलाके में क्रिश्चियन की जमीन पर कब्जा कर मॉल और खेतान मार्केट बनाने का आरोप लगाया था। सुशील मोदी ने इस आरोप को बेबुनियाद और समाज में उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताते हुए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव के विरुद्ध मेरे वकील के द्वारा पटना के सीजीएम कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए और ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। श्री रामानंद यादव ने पिछले दिनों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए मैंने पटना के सब्जीबाग और लोदीपुर के इलाके के अंदर क्रिश्चियंस की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाकर खेतान मार्केट एवं लोदीपुर मॉल का निर्माण करवाया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। श्री रामानंद यादव ने आज तक अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न कोई दस्तावेज रखा, न ही उन्होंने माफी मांगी और ये एक साजिश थी मेरी छवि को समाज में खराब करने की और इसलिए मैंने सीजीएम कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। तो अगर रामानंद यादव अगर हिम्मत है तो कागज प्रस्तुत करें, इस मॉल से मेरा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है और मैंने पहले भी घोषणा की थी कि अगर ये मॉल से मेरा कोई भी संबंध होगा तो मैं पूरा का पूरा मॉल उसकी जमीन सहित लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन आज लगभग एक महीना हो गया, आज तक न कोई दस्तावेज न कोई प्रमाण प्रस्तुत कर पाए और सीएम के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। सुशील मोदी ने बताया कि आरजेडी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार का आरोप लगाया था, जिनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। पिछले दिनों श्री मनोज झा और श्री चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए थे, उन पर भी मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों पटना के सीजीएम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उन पर उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। बता दें कि रामानंद यादव ने मंत्री बनने के बाद आरोप लगाया था कि सुशील मोदी ने पटना के लोदीपुर में उप मुख्यमंत्री रहते अपनी ताकत का इस्तेमाल कर क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर मॉल का निर्माण कराया। रामानंद यादव ने सब्जीबाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर खेतान मार्केट बनाने का आरोप लगाया था। सुशील मोदी जब उप मुख्यमंत्री हुए, उनका भाई महावीर मोदी ने लोदीपुर क्रिश्चियन का जमीन, माइनॉरिटी बेचारा है, वो लोग पूजा पाठ करता था, उसका जमीन को इन्होंने हड़प लिए, अभी तक केस लंबित है और निशान बिल्डिंग बना नियम कानून को धरती उड़ा के पिया दिए के रेरा से भी पास नहीं है तो वो जांच कराएंगे। दूसरा ये अपना समाज के खेतान मार्केट भी कब्जा कराए जे उप मुख्यमंत्री थ्रेटनिंग दे करके कोई डरे न बोले तो उप मुख्यमंत्री सारा प्रशासन इनके साथ था, ये लूटे और सारा अपना काली कमाई को अपना भाई के माध्यम से बिल्डिंग में लगाए। इनका भाई एक तो और राजा मोदी है जो तो बॉम्बे कलकत्ता और कई शहर में बना रहे हैं और ये जो यहाँ महावीर मोदी है इसका तो हम लोग जाँच करा मेंगे दोनों पर।
एकदम जो जमीन कब्जा कर लिया क्रिश्चियन को, क्रिश्चियन द्वारा जो लिखा है गलत लिखा लिया, जिसका पावर नहीं लिखने का उसे नहीं लिखा है, नक्शा पास नहीं है, अभी ना नक्शा का निशान बना दी। अब रामानंद यादव ये आरोप लगाकर मुश्किल में पड़ गए हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने इस मंत्री के दाग को कैसे धो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।